हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि इसकी 6 स्टेप की एक प्रोसेस है। आप एक्सपर्ट्स चूज करते हैं, उनसे डाटा लेते हैं 4 पॉइंट स्केल पे, ऊपर नॉट रेलिवेंट, समवट रेलिवेंट, क्वाइट और हाईली रेलिवेंट के ऊपर। जो 1 और 2 है इसका कोड कर देते हैं 0, और 3 और 4 का कोड कर देते हैं 1। इसके बाद इसकी डाटा एंट्री कर देते हैं। डाटा एंट्री करने के बाद हमारे पास 3 4 टर्म्स हमने निकाली। पहली है एक्सपर्ट्स इन एग्रीमेंट, सिर्फ इनका रो का टोटल करें। अगर इनका एवरेज करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो बोलता है आई आइटम वाइज कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। अगर हम देखें यूनैनिमस कितने हैं, उसको बोलते हैं यूए, यूनिवर्सल एग्रीमेंट। कॉलम वाइज अगर हम इनका टोटल करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनेट रेलिवेंस, और इनका एवरेज या इनका आईसीवीआई का, इसको बोलते हैं एससीवीआई, स्केल वाइज सीवीआई, कंटेंट वैलिडेशन इंडेक्स एवरेज है उसका। एक यूनिवर्सल भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो यूनिवर्सल है ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है। तो मैंने यहाँ पर एक डाटा एंट्री की है, और ये मैंने लिया है सेकेंड पेपर से। जो सेकेंड पेपर है, द कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, आर यू श्योर यू नो व्हाट्स बीइंग रिपोर्टेड। जो ऑथर्स हैं पॉलित और बेक, इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। इस इनसे पहले जो हाईएस्ट साइटेड मिलेंगे आपको इस एरिया में, वो दो मिलेंगे, एक लिन और एक डेविस। इनका काफ़ी काम था, लिन ने ये दिया था सारा कि क्या क्या होना चाहिए, तो इन्होंने उनको रेफर किया है। इन्होंने एक जिक्र किया है, एक और टर्म है एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज, ACP, और ये कहते हैं कि ये दिया था पॉपहेम ने, और ये 0.9 से ज़्यादा होना चाहिए। और बाय द वे, ये ACP वही चीज़ है जिसको हम स्केल वाइज कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स बोल रहे हैं, ये लगभग वही चीज़ है। अच्छा, CVI का थोड़ा सा इशू है इसमें। 2006 में इन्होंने जस्ट जिक्र किया था, 2007 में इसका सॉल्यूशन दिया। प्रॉब्लम ये है कि इसमें चांस एग्रीमेंट के एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए, बेसिकली तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब ये इनका निकाल रहे हैं, तो क्या हम इंटर रेटर एग्रीमेंट नहीं निकाल रहे? एक तरह से वही तो निकाल रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ पे बाई चांस जो हो सकता है वो इसमें नहीं लिया गया। अच्छा, पहले तो ये समझे बाई चांस क्या होता है। देखिए, आप ये समझिए, आप एक, आप एक्सपर्ट हैं, एक मैं हूँ, और हमें सिर्फ बोलना है रेलिवेंट है या इरेलिवेंट है। अब 4 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो। मैंने बोला रेलिवेंट, आपने भी रेलिवेंट, मैंने रेलिवेंट, आपने इरेलिवेंट, मैंने इरेलीवेंट, आपने रेलिवेंट, या दोनों ने बोला इरेलीवेंट। तो 25% तो सिंपल बाई चांस है ना। 25% जब आप भी रेलिवेंट बोले, मैं भी रेलिवेंट बोल रहा हूँ, हम पढ़ ही नहीं रहे, बिना पढ़े हम सीधा बोल रहे हैं रेलिवेंट दोनों, 25% तो चांस भी हो गया ना। उस चांस फैक्टर को निकालना, इस चीज को अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे चांस को, ये बन जाएगा मॉडिफाइड कापा। पर ये 2007 के पेपर में है। 2006 के पेपर में एक तो इन्होंने जिक्र किया कि थोड़ा सा तो इश्यू तो है इसमें। सेकेंडली, इन्होंने कहा, लिन ने कहा था कि 2 टाइप ऑफ CVI है, आइटम वाइज और स्केल वाइज। अब आइटम वाइज में ठीक है कि आपके पास 4 पॉइंट लेते हैं, लोग 3 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, 7 भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी ले लिया हुआ है। तो लोअर का मतलब है नॉट रेलिवेंट, हायर का मतलब है रेलिवेंट। एक्सपर्ट जो रखें, जनरली 10 से ज्यादा ना रखें, 6 से 10 के बीच में रखें। लिन ने कहा था आई CVI नॉट लोअर देन 0.78, ये होना चाहिए। कई जगह पे 0.83 भी मिलेगा, 78 या 83, दोनों के आपको काफी रेफरेंस मिलेंगे। प्रॉब्लम आती है इस चीज में जब हम निकालते हैं स्केल वाइज कंटेंट वैलिडेट इंडेक्स। 2006 में पॉलित बेक ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, जो वॉल्ट ने दिया था 2005 में डेफिनेशन, इन्होंने कहा था प्रपोर्शन ऑफ आइटम्स गिवन द रेटिंग ऑफ दिस बाई बोथ द रेटर एंड वॉल्ट, बोथ। अब बोथ का आगे क्या चलेगा? अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, बोथ का मतलब ऑल हो जाएगा वहां पे। अब अगर ऑल होगा तो यहां देखिए एक पॉइंट ये आता है, हाइपोथेटिकली ये डाटा है, 10 हमारे आइटम हैं और 6 एक्सपर्ट है, हर एक्सपर्ट एक पे मना करता है कि ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें तो बेसिकली तो 4 ही ऐसे हैं ना, यहां पे देखिए जो यूनिवर्सल एग्रीमेंट आ रहा है वो तो 4 पे ही आ रहा है। तो अगर आप हर आइटम को देखें, इसका एवरेज कितना आ रहा है, देखिए ये 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ उसमें नहीं रहिएगा कि ये कैसे 6 कैसे आ गया यहाँ पे, ये तो 4 3 है। बेसिकली ये है टोटल कितने एक्सपर्ट थे, 6 थे, और ऐसे कितने हैं जो सब ने रेलिवेंट, हाईली रेलिवेंट या क्वाइट रेलिवेंट बोला, तो 5 है ना, तो ये एग्री 5 पे कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इसमें किसी एक ने भी 1 या 2 बोला है तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 एग्रीमेंट है, यानी ये काउंट होगा 0, और 3 और 4 है तो काउंट होगा एज 1। तो यहाँ पे पहला भी ठीक है, 0.8
एडियर टू द स्टैंडर्ड्स, ये सारे ठीक हैं और ये तो वन ही है, ये सारे ठीक लग रहे हैं। इसी तरह से एक्सपर्ट वाइज देखें, एक्सपर्ट्स भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर एक भी मना कर रहा है तो आपने तो इसको ड्रॉप कर दिया ना, यूएसए यूनिवर्सल एग्रीमेंट तो रहा नहीं। तो यूनिवर्सल एग्रीमेंट सिर्फ चार का रहा, इनका चार का आया यूनिवर्सल, टोटल कोई भी किसी का भी यूनैनिमस है ये, कोई मना नहीं कर रहा। तो इसका जो एस सी वी आई यूए निकलेगा वो 4.4 निकलेगा। अब ये एक इशू है जो इन्होंने इस पेपर में डिस्कस किया कि ये तो जितने ज़्यादा आपके होंगे एक्सपर्ट्स, आपका ऑटोमेटिकली एक ने भी मना किया तो कम ही हो गया, वो तो रहेगा ही नहीं इसका। तो इसीलिए इन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपर्ट बढ़ेंगे तो आपका ये तो कम ही होता जाएगा, कभी भी अप टू द मार्क आएगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम रिकमेंड करते हैं आप इसको भूल जाइए, ये एग्जाम्पल जो इन्होंने लिया है। इनका ये कहना है कि देखिए ये भी सारा ठीक लग रहा है, 0.9 है, ये भी सारा ठीक लग रहा है, आइटम वाइज सारे ठीक हैं एडियरिंग टू स्टैंडर्ड्स, तो फिर भी ये जो वैल्यू है ये आ रही है 0.4, जो कि अप टू द मार्क नहीं है। इसके लिए ये कह रहे हैं सिर्फ आइटम वाइज सी बी आई का आप निकालें एवरेज, उसी को एस सी बी आई ए वी ई वही आप यूज करें, ये यू ए वाला यूज ना करें, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। एक तो ये इन्होंने काफ़ी कहा इस पेपर में कि आइटम वाइज निकालिए, ये दो तरह का है, एक ए वी एवरेज से निकालते हैं, एक यूए से, यूए से ना निकालें, ये बड़ा टफ है, होता नहीं है इतना, कभी आएगी नहीं 0.7 की वैल्यू। ये ठीक है, इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी। एक तो ये इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि क्यों इसको यूज करना चाहिए। सेकेंड, इन्होंने कहा कि हमने ना पुराने पेपर देखे और उनमें देखा किसने क्या करने की कोशिश की और हमें पता ही नहीं चला, लोगों ने दिया ही नहीं है कि कैसे उन्होंने निकाला, एस सी वी आई कैसे निकाला है, एवरेज से निकाला है यूनिवर्सल से निकाला है। तो इन्होंने कहा ये नहीं समझ आया। और रिकमेंडेशन इन्होंने दी हैं तीन चार। पहला तो इन्होंने कहा है कि हमेशा आइटम वाइज और स्केल वाइज अलग अलग रेफर करें आप, बिल्कुल ठीक है, ये तो पहले लिन कह चुके थे 2005 में। सेकंड, इन्होंने कहा कि आप अपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी दिया करें इसके, कितनी मिनिमम मैक्सिमम आई है ताकि बाद में हमें हेल्प मिल सके। थर्ड, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट को आप ना यूज करें, आप ए वी ई मेथड को रिकमेंड करते हैं ये, उसको यूज करें। फोर्थ, ये कह रहे हैं जो डेविस ने कहा था, स्केल वाइज 0.8 को यूज करें आप, वो भी ठीक है, एस सी वी आई का 0.8 और इंडिविजुअल आइटम का जो यूज करते हैं वो 0.78 के करीब है, यहां दिया मिनिमम 0.78। और एक इन्होंने कहा है कि दो राउंड के अंदर काम करें, पहले में आप सिर्फ देख लीजिए आइटम अप टू द मार्क है या नहीं, और दूसरे में आई सी वी आई और एस सी वी आई निकालें। ये इनका काफी अच्छा पेपर है और काफी इन्होंने रीजनेबल सी बातें की हैं इसमें। फिर इन्होंने ही पॉलिट और बेक ने अलोंग विद थर्ड ओवन के साथ मिलकर एक थर्ड पेपर लिखा जिसमें इन्होंने सी वी आई का मॉडिफाइड दिया। इस पेपर की क्विकली बात करते हैं। पहले तो इन्होंने बताया कंटेंट वैलिडिटी क्या है, सी वी आई क्या है, करंट इसका क्या चल रहा है, राइट, ठीक है। लिन ने इसकी गाइडलाइंस दी थी, ये भी ठीक है, और ये वही बताया इन्होंने कि कैसे निकालते हैं इनको। डेविस ने कहा था कि 80% से ज़्यादा आपका होना चाहिए, लेकिन यू ए अगर आप निकालेंगे तो कभी भी 80 आएगा ही नहीं आपका, कभी भी, ये बहुत टफ है यू ए, तो उसको हटा दीजिए और ये वाला यूज़ करें, एस सी वी आई स्केल कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स जो एवरेज बेस से निकालते हैं, यानी आइटम वाइज का एवरेज करें, वो ठीक है, ये यू ए वाला तरीका ना यूज करें। फिर इन्होंने कहा कि हमने ना और इसके अल्टरनेटिव सर्च किए क्या क्या हो सकते हैं, तो तीन तरह के देखें। एक तो है कंसिस्टेंटी एस्टिमेट, क्रॉनबैग अल्फा देख लीजिए, वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यों क्रॉनबैग अल्फा सही नहीं है इस केस में। सेकंड, कंसेंसस एस्टिमेट निकाल लीजिए, कंसेंसस एग्रीमेंट एक्चुअली वो कोहन्स कापा ही होता है, ये कापा का स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, और उसके अंदर वो भी दिया होता है कि जो चांस वेरिएशन है उसको कैसे खत्म करना है। फिर इन्होंने कहा हमने और भी एक्सप्लोर किए, आर डब्ल्यू जी लिंडल वगैरह, ये भी होता है। एक कंटेंट वैलिडिटी रेशो भी इन्होंने देखा था जो मैंने यहाँ थर्ड शीट के अंदर बना रखा है। कंटेंट वैलिडिटी रेशो में हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट से सिर्फ दो बातें पूछते हैं, रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है। अगर रेलिवेंट है तो एक्स लिख दो आइटम पे, इरेलीवेंट है तो ब्लैंक छोड़ दो, बस इतना सा। और ये इसका फॉर्मूला है एन ई, विच इज द नंबर ऑफ पैनलिस्ट जिन्होंने उसको असेंशियल कहा है, डिवाइडेड एन टोटल है। इस फॉर्मूले को यूज करें, ये मैंने यहां लिख दिया है। यहां आपको नंबर ऑफ एक्सपर्ट खुद मैन्युअली फीड करना पड़ेगा, तो आपने जितने भी, जैसे मैंने 7 एक्सपर्ट लिए, मैंने यहां लिख दिया ये सारे 7 है, और इनको सिर्फ एक्स लिख दीजिए जिस एक्सपर्ट ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी आप इंटरव्यू करवा रहे हैं एक्सपर्ट्स का, और ये इसकी निकल कर आ जाएगी वैल्यू सी वी आर। यहां पर एक बार दोबारा हम चेक करते हैं, सी वी आर हमारा है कंटेंट वैलिडिटी रेशो, ठीक है।
इन्होंने कहा लेकिन ना सीबीआई सबसे बेस्ट है, सारे इसके अंदर डिटेल इन्होंने दिया है कि क्यों सीबीआई सबसे बेस्ट है। ओनली प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर वो चांस फैक्टर को इन्होंने कहा कि नहीं है सीबीआई के अंदर, ये तो किसी भी तरह का कैप्चर कर लेता है। सिर्फ 2% एग्री कर रहे हैं बस। टोटल देखिए 10 स्टेटमेंट थे, मैंने किनी 5 पे एग्री किया, आपने किनी 5 पे एग्री किया, पर हमारा आगे कि हाँ जी दोनों एग्री कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ पे एग्री करता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमने एक कोहन्स कापा को मॉडिफाई कर दिया। तो कैसे मॉडिफाई किया, इसका इन्होंने यहाँ फार्मूला गिवन है करेक्टिंग का, तो ये फार्मूला गिवन है। इसमें एक तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस एग्रीमेंट, और फिर ये फार्मूला है आइटम वाइज में से चांस एग्रीमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस चांस एग्रीमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, इससे किया जाएगा। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ बना दिया है स्मॉल में भी और लार्ज में भी। तो यहाँ पे पीसी निकाल देगा ये अपने आप, और के निकाल देगा, और उसका इंटरप्रिटेशन भी यहाँ लिख रखा है कि इंटरप्रिटेशन इसका ये है 0 to 0.4 से पुअर है, ये फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, ये पॉलीटोर इन्होंने ही दिया है यहाँ पे। और फाइनली इन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है, गाइडलाइंस इनकी वही है, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि यही हमारा फाइनल हम करेंगे इसे। पहले तो ICVI ग्रेटर देन 0.78 है, ठीक है 0.78 मैक्सिमम रेफरेंस आपको मिलते हैं, कहीं कहीं 0.83 का भी मिलता है। सेकंड इन्होंने का रिकमेंडेशन है, तो सबसे पहले तो आप मल्टीपल इटरेशन पे काम करें, फर्स्ट जब इंटरव्यू करवाएं उसमें 8 से 12 ले सकते हैं, उसमें तो सिर्फ ये देखिए कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बिल्कुल ड्रॉप कर दें, बिल्कुल भारी कर दें। उनसे ये भी पूछिए जो रखनी है क्या उनको रीफ्रेज करें, क्या सारे एग्री कर रहे हैं उस बात पे। फर्स्ट राउंड जब हो जाए फिर सेकंड राउंड चलें, सेकंड राउंड में आप 3 से 5 बोल रहे हैं ये तो भी ले सकते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, सेम फर्स्ट पूल एक्सपर्ट्स को नहीं भी ले सकते हैं, ये लिन ने बताया था, दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप अपना ICVI और SCVI ये दोनों निकालें, दोनों निकालने के बाद इसको यूज ना करें यूए को, AVE को यूज करें, ये ज़्यादा ठीक है। फाइनली इन्होंने कहा है अगर आपकी SCVI वैल्यू 0.8 से ज़्यादा आती है तो वो ठीक है, 0.78 का भी रेफरेंस है पर 0.8 इज ओके, और अगर ये दोनों 0.78 से ज़्यादा इंडिविजुअल और स्केल वाइज 0.9 से ज़्यादा तो ये एक्सीलेंट है। तो ये इनका फाइनल हो गया इसका कंक्लूजन। तो इसी चीज़ को यूज किया है यहाँ पे, ये 2020 का पेपर है, और ये पेपर है एक मेडिकल के ऊपर, हैंड इंडेक्स के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस हैंड इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 3-4 इनके स्केल्स थे। तो इसमें जो मुझे आपको दिखाना है, इन्होंने लिखा ऑब्जेक्टिव, लिखा मेथड, फर्स्ट है इनका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सपर्ट कौन है इनके। तो इन्होंने कहा क्योंकि हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो हो पार्टिसिपेंट इज एबल टू विलिंग हो, ठीक है मेक सेंस कि विलिंग हो, कंसेंट उसके ले लें इसमें, राइट। सेकंड एज ग्रुप दे दी 18 to 85 है, थर्ड कोई भी जेंडर हो सकता है, उसको इस अर्थराइटिस की बीमारी डायग्नोज हुई हो, ये भी ठीक है, और इंग्लिश पढ़ सकता हो, ठीक है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, अगर उसको अर्थराइटिस नहीं हुआ तो उसको नहीं लेंगे, और जो अगर नहीं सर्वे को पूरा कर रहा है, इंग्लिश नहीं समझ रहा, उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ये इनको डाटा दिया गया, इनसे भरवाया गया, इन्होंने जो डाटा भरवाया है वो इनका 5-point स्केल पे लिया है इन्होंने, नॉट डिफिकल्ट से अनेबल टू डू दैट, जो भी टास्क वगैरह थे इनके। फिर इन्होंने डाटा एनालिसिस किया, इसमें ICVI निकाला, SCVI निकाला और कोहन्स, ये वही यूज किया इन्होंने। पीसी का इन्होंने दिया है कितना आपका चांस फैक्टर कितना आ सकता है, ये फॉर्मूला है इसका। और दूसरा इन्होंने कोहन्स कापा का फार्मूला, ये कोहन्स कापा का फार्मूला है, मॉडिफाइड बोलेंगे इसे, और वैल्यू इन्होंने दी है कि इतनी होनी चाहिए, तो एक्सीलेंट अगर होगा इससे ये गुड है, ये फेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया है। और ये इनके रिजल्ट्स इन्होंने रेफर किए हैं, और रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं एक टेबल फॉर्मेट के अंदर। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, टोटल 64 लोगों से पूछा, 51 ने एग्रीमेंट बोला, तो उससे ICVI निकाला, PC निकाल लिया, इससे K निकाल दिया, और ये क्लैरिटी पे, ये रेलिवेंस पे, ये क्लैरिटी पे, दोनों पे पूछा गया, और ये इंटरप्रिटेशन एक्सीलेंट वगैरह। लगभग यही चीज़ मैंने यहाँ बनाई है कि आप सिर्फ ये डाटा डालिए इसके अंदर कि यहाँ पे जो भी 4-point स्केल पे मैंने किया हुआ इसे, तो आप यहाँ पे डाटा डालेंगे, ये काउंट करके आपका एग्रीमेंट निकाल देगा, ICVI निकाल देगा, नीचे SCVI निकाल देगा, ये यूज ना करें यूए वाला, पीसी निकाल देगा, परसेंटेज कितना बाय चांस फैक्टर कितना हो सकता है। अच्छा ये याद रखिएगा, चांस फैक्टर सिर्फ एग्रीमेंट का है, सिर्फ एग्रीमेंट का, दोनों अगर डिसएग्री कर रहे हैं उसको नहीं लेते हैं हम, मॉडिफाइड कॉन्स कापा और उसका इंटरप्रिटेशन।
तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्केल अगर डेवलप करें सो यू कैन थिंक ऑफ कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स के बारे में। तो एक बार ये चारों पेपर पढ़ लीजिएगा और ये एक्सेल फाइल आपको इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगी। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।